हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में डीटीसी या डीएसटीसी टावर वैगन 8 व्हीलर में अगर आपका टावर वैगन में डेड मैन ब्रेक का अप्लाई का मैसेज आता है इन केस, तो इसको कैसे सही करेंगे, इस चीज पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में एस्केप ना करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे ये एलईडी पैनल है दोस्तों। अगर ये इस पे अगर रेड का संकेत आता है दोस्तों, तो ये फॉल्ट का मैसेज आता है। जैसे हमारा पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है दोस्तों, यानी कि हमारा पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। और रही बात की हम बात करते हैं सिर्फ डेड मैन ब्रेक अप्लाई। अगर डेड मैन ब्रेक मेरा ऑलरेडी देखिए अप्लाई का मैसेज इस पे बता रहा है, लेकिन हम हमारा टावर वैगन में अगर डेड मैन ब्रेक का मैसेज अप्लाई का अगर आ रहा है, तो इसको तुरंत शॉर्ट आउट कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, हम इसको हम दे दिए हैं कंट्रोल दे दिए। अब हमारा डेड मैन ब्रेक नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमारा देखिए हम थ्रोटल ले रहे हैं, लेकिन हमारा डेड मैन ब्रेक का मैसेज ये हटने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। तो इस केस पे दोस्तों हमारा गाड़ी मूव नहीं करेगा, कोई भी कीमत पे हमारा गाड़ी मूव नहीं करेगा। इसको शॉर्ट आउट करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। चाहे दोस्तों हम 110 वोल्ट बैटरी हम सप्लाई देते हैं, तो मेरा डेड मैन ब्रेक का जो है ना मैसेज आ जाता है। तो डेड मैन ब्रेक ये जो है 110 वोल्ट में रख देते हैं, तो मेरा ये क्योंकि इसलिए नहीं हटता है क्योंकि हमारा जो डेड मैन जो है इसका एमसीबी मेरा गिरा हुआ है। जहीं देते हैं ये एमसीबी खर्च के ये नीचे आ जाता है। अगर इस केस में दोस्तों अगर आपका भी ऐसा हो कि बैटरी दे रहे हैं और ये मैसेज आ जाता है, तो तुरंत इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये जो क्वाइल है, इसमें क्वाइल आता है दोस्तों, ये जल जाता है। तो जलने के कारण ये आपका ये बैटरी दीजिएगा, फिर भी आपका ये एमसीबी ये ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ से इसको वायर को हटा देना तत्काल, इस वायर को हटा देना दोस्तों, और आपको ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा और आसानी से आप गाड़ी को चला सकते हैं, ठीक है। तो इस वायर को आपको हटाना होगा तुरंत, उसके बाद बैटरी दीजिए आपका ले लेगा। और ये एमसीबी देखिए आपका, ये हम उसको एमसीबी हटा दिए उसको वायर को। अब देखिए हम इसको लेंगे, देखिए और आप गाड़ी आराम से चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा डेड मैन ब्रेक, अगर ये प्रॉब्लम आता है तो कैप वन या कैप टू में देखना है, क्वाइल जो है ये हॉर्न के पास रहता है दोस्तों। यही वायर को आपको हटाना है, ये वाला वायर को खोल के दोनों में से एक वायर या दोनों वायर हटा दीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्वाइल रहता है, ठीक है, इसको खोल के मांगेगा, इसको यहीं से खोल हटा दीजिए, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। या इंजन वन का जो पैनल है, इसमें डीएमआर का रिले है, उस रिले अगर यहाँ से नहीं हटा, तो फिर रिले का वायर हटा दीजिए, आपको प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। हमने आप लोग के बीच ये रख दिया हूँ खोल करके मैग्नेट स्विच, जो यही इसमें जो अंदर में क्वाइल दोस्तों रहता है, ये क्वाइल जो है ना जल जाता है। जलने के कारण दोस्तों आप जो है ना 110 जो बैटरी आप देते हैं, 110 वोल्ट सप्लाई बैटरी जहीं दीजिएगा दोस्तों, तो आपका डेड मैन ब्रेक जो डेड मैन ब्रेक अप्लाई जो करते हैं, तो उसका जो है ना जो एमसीबी है दोस्तों, वो आपका गिर जाएगा। जहीं गिर जाएगा तो आप गाड़ी मूव कीजिएगा, तो दोस्तों डेड मैन जो हमारा ब्रेक अप्लाई जो है वो आपका हटेगा नहीं डिस्प्ले पे, तो आपका गाड़ी मूव होगा नहीं। तो इसको हटाने के लिए एक ही उपाय है दोस्तों, कि कैप वन में आराम से जाइए और इसका मैग्नेट स्विच का रिले है, जो पैर से जो दबाया जाता है, उसका हॉर्न के पास ये मैग्नेट स्विच लगा हुआ है, इसकी डिस्प्ले में आप देख रहे हैं पिक्चर के साथ। उसमें से दोस्तों कुछ नहीं करना है, उसमें से दो वायर जो है उसको हटा देना है दोस्तों। हटाने के बाद आपका ये जो है डेड मैन ब्रेक बाईपास हो जाएगा तत्काल, और आप आसानी से इमरजेंसी में दोस्तों गाड़ी को चला सकते हैं। तो यहाँ से नहीं होगा तो फिर कैफ वन में ही रिले लगा हुआ है,
इंजन ऑयल का पैनल में, तो वहाँ पे डीएमआर का रिले लगा हुआ है, वहाँ से वायर को हटाना पड़ेगा उस रिले में से, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपका यहीं से प्रॉब्लम पहले आप सॉल्व कर लीजिए, वहाँ जाने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर आप लोग से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। और